हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। मैं आज आप लोगों को क्लास 3 का इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें पहला चैप्टर है द सेंटेंस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है वाक्य। लेकिन ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं आखिर इंग्लिश ग्रामर होता क्या है। तो ये जान लें कि इंग्लिश ग्रामर क्या है, ध्यान से सुनेंगे। इंग्लिश ग्रामर इज द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, यानी कि अंग्रेजी व्याकरण भाषा का एक प्रणाली है, तंत्र है। यानी कि दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि किसी भी भाषा को बोलने, लिखने, समझने के लिए जिस तंत्र का प्रयोग किया जाता है वही हमारा भाषा है। तो इसलिए कहा गया है कि ग्रामर इज द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, यानी कि किसी भाषा को सही से पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना, अगर ये जिससे सीखा जा सके वही हमारा इंग्लिश ग्रामर है। तो इंग्लिश ग्रामर में पहला टॉपिक है हमारा द सेंटेंस। सेंटेंस जैसा कि ब्लैक बोर्ड पे हमने लिखा हुआ है, इसका डिफिनेशन क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। दिया है डिफिनेशन, परिभाषा, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। मतलब इसका क्या है, ए सेंटेंस, एक वाक्य इज है, होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर। ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का समूह, यानी कि एक वाक्य वह होता है जो शब्दों का समूह हो, और क्या हो, इनकरेक्ट ऑर्डर, जो शब्दों का समूह है वो करेक्ट ऑर्डर में हो, पहला चीज। दूसरा दिया हुआ है दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, दैट जो कि मेक्स बनाता है कंप्लीट, पूरा सेंस, भाव, जो पूर्ण भाव बनाता है या पूर्ण भाव प्रकट करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी शब्दों, वाक्य क्या है, शब्दों का वो समूह है एक व्यवस्थित क्रम में जिसका पूर्ण आशय निकल रहा है, यानी कि शब्दों के सार्थक समूह को ही, शब्दों के व्यवस्थित क्रम में सार्थक समूह को ही हम वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है आई एम गोइंग टू गोरखपुर, एक वाक्य ये है, एक वाक्य ये है, करेक्टली आई ए नोटबुक रोट फुल स्टॉप, उसके बाद ये हमने टिक किया, ये क्रॉस किया है। तो ये देखें दो चीज हमने लिखा हुआ है, इन दोनों उदाहरणों में कौन हमारा सेंटेंस है, कौन सेंटेंस नहीं है देखेंगे। आई एम गोइंग, आई मैं, एम हूं, गोइंग जा रहा टू गोरखपुर, मैं गोरखपुर जा रहा हूं, पहला चीज ये करेक्ट ऑर्डर में है, मैं गोरखपुर जा रहा हूं करेक्ट ऑर्डर में है, शब्दों का समूह है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द, ये सभी शब्द है, शब्दों का समूह है, व्यवस्थित क्रम में है, और उसका एक सटीक आशय निकल रहा है, मतलब संपूर्ण आशय निकल रहा है, व्यवस्थित क्रम में भी है ये। तो ये हमारा एक वाक्य है, जैसा कि आप, मैंने टिक करके ये बता दिया कि हाँ ये वाक्य है। दूसरा देखेंगे, करेक्टली दिया हुआ है, सही से आई, मैंने, या मैं, ए मीन्स एक, नोटबुक मतलब नोटबुक, रोट मतलब लिखा, शब्दों का समूह है, ठीक है, लेकिन शब्दों का समूह तो है लेकिन करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, व्यवस्थित क्रम में नहीं है। व्यवस्थित क्रम में कैसे नहीं है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का जो पैटर्न होता है वो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। इंग्लिश ग्रामर का ये पैटर्न, ये हमारा करेक्ट ऑर्डर है, लेकिन इस ऑर्डर में ये दूसरा वाक्य नहीं है, आशय निकल रहा, शब्दों का समूह भी है लेकिन पूर्ण आशय नहीं निकल रहा है, वो करेक्ट ऑर्डर में व्यवस्थित नहीं है, इसलिए हम इसको वाक्य नहीं कहेंगे। दिस इज नॉट अ सेंटेंस, सो आई क्रॉस्ड इट, दिस एग्जाम्पल ओनली सेंटेंस, सो आई टेक इट। तो ये हमारा सेंटेंस है, ये सेंटेंस नहीं है। अब देखें इसके बाद हमारा दिया है पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या होता है, ये देख लें, अब हम पढ़ेंगे
पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसका हिंदी मीनिंग होता है वाक्य की भाग, वाक्य के भाग। आखिर जो वाक्य होते हैं उनके कितने भाग होते हैं, तो ये भी देखें। सबसे पहले देयर आर टू पार्ट ऑफ सेंटेंस, देयर आर टू पार्ट ऑफ सेंटेंस। वाक्य के कितने भाग होते हैं, वाक्य के दो भाग होते हैं। पहला क्या है, सब्जेक्ट, एंड सेकेंड इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता, और प्रेडिकेट जिसको हम बोलते हैं विधेय। दूसरा क्या है हिंदी में, विधेय। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, कर्ता और विधेय। अब देखें सब्जेक्ट क्या होता है, कैसे पहचानेंगे हम कोई सब्जेक्ट है, कैसे पहचानेंगे कोई प्रेडिकेट है। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, इसका डेफिनेशन सबसे पहले लिखते हैं। सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस इन 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 विच अबाउट समथिंग इज सेड। सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस इन विच अबाउट समथिंग इज सेड। मतलब क्या होगा कि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता इज है या होता है द पार्ट भाग ऑफ सेंटेंस वाक्य का। कर्ता वाक्य का वह भाग होता है इन विच अबाउट, इन विच अबाउट, इन मीन्स में, अबाउट बारे में, विच जिसके यानी कि जिसके बारे में, समथिंग कुछ इज सेड कहा जाता है। यानी कि कर्ता किसी वाक्य का वह भाग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम लिखेंगे राम इज ए गुड बॉय। ये एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है, राम इज ए गुड बॉय। तो देखें ये पता करना है हमको कि इस वाक्य में, कि राम इज ए गुड बॉय इस वाक्य में कौन हमारा सब्जेक्ट है। तो जान है सबसे पहले तो डिफिनीशन के अनुसार हम समझेंगे कि डिफिनीशन के अनुसार क्या होगा, किसके बारे में कहा जा रहा है। डिफिनीशन के अकॉर्डिंग तो किसके बारे में कहा जा रहा है, यानी कि राम एक अच्छा लड़का है, जो अच्छा लड़का की बात कही जा रही है, अच्छे लड़के की बात कही जा रही है, वो किसके बारे में कही जा रही है। तो ये सारी बातें एक अच्छा लड़का है ये कही जा रही है किसके बारे में, राम के बारे में। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट हो गया। पहला तरीका तो डिफिनीशन के अनुसार समझेंगे, और दूसरा तरीका ये है कि हम हु से क्वेश्चन करेंगे, क्यू से जो क्वेश्चन करेंगे तो जो हमारा आंसर मिलेगा, क्यू से हु से क्वेश्चन करने पे जो आंसर मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। हु से क्वेश्चन करने पर जो आंसर प्राप्त होगा वही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसके अनुसार हम जांच करते हैं, देखें दिया राम के गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो हु से प्रश्न करते हैं कौन एक अच्छा लड़का है, कौन एक अच्छा लड़का है, तो क्या जवाब मिलेगा। सामान्यतः सभी लोगों का जवाब वही होगा
क्या? राम। कौन एक अच्छा लड़का है? राम एक अच्छा लड़का है। तो हु का जवाब मिला राम, तो हु ही हमारा सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं हम प्रेडिकेट की। तो देखें यहां से हम मिटा रहे हैं, देखेंगे भैया प्रेडिकेट क्या होता है। दूसरा है प्रेडिकेट, प्रेडिकेट जिसका हिंदी मीनिंग होता है विधेय। प्रेडिकेट का डेफिनेशन देखना, प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस, प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस predicate is the part of sentence which is said which is said about सब्जेक्ट। ये डिफिनेशन है प्रेडिकेट का कि प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज सेड अबाउट सब्जेक्ट, यानी कि प्रेडिकेट यानी कि विधेय इज है या होता है द पार्ट भाग ऑफ सेंटेंस वाक्य का। विधेय वाक्य का वह भाग होता है, प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज सेड, विच जो इज है सेड कहा जाता है, यानी कि जो कहा जाता है अबाउट किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, कर्ता के बारे में। यानी कि प्रेडिकेट किसी वाक्य का वह भाग होता है जो कर्ता के बारे में कुछ कहा जाता है, यानी कि कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा गया है वही हमारा प्रेडिकेट पार्ट होता है। जैसे राम इज गोइंग टू, अब यहां पे देखें हमने सब्जेक्ट पहचानने का तरीका बता दिया था। एक तो डिफिनीशन से जान लेंगे किसके बारे में कहा जा रहा है, अथवा हु से प्रश्न करेंगे सब्जेक्ट पता चल जाएगा। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए सॉरी प्रेडिकेट पता करने के लिए हम ये जानते हैं कि जो शब्द कहा गया है सब्जेक्ट के बारे में, कर्ता के बारे में, यानी कि सब्जेक्ट जब पता चल जाएगा तो प्रेडिकेट भी हम जान जाएंगे। जैसे देख रहे हैं इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है, कौन स्कूल जा रहा है या स्कूल जाने की बात किसके बारे में कही जा रही है। तो साधारणतः सभी लोगों का जवाब यही होगा कि ये बातें जो कही जा रही है स्कूल जाने की वो राम के बारे में कही जा रही है। और दूसरा तरीका हु से प्रश्न करें तो हु का जवाब राम मिलेगा, यानी कि राम हमारा सब्जेक्ट है। अब ये बताएं कि हम जानते हैं कि किसी वाक्य के, ये पूरा एक वाक्य है, किसी वाक्य के दो ही भाग होते हैं और एक भाग हमको पता चल जाए तो क्या दूसरा भाग पता नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जब एक पता चल गया तो जो दूसरा है वही तो बचेगा। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास 10 रुपए है, 5 रुपए मैंने खर्च कर दिया या 7 रुपए मैंने खर्च कर दिया तो बचे कितना? तो जो जितना खर्च कर दिया जो बच गया वही तो दूसरा भाग हो गया हमारा। तो ये इतना बच गया है इज गोइंग टू स्कूल, ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट निकालने के बाद जो बचा प्रेडिकेट पार्ट, अथवा डेफिनेशन से देखेंगे प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज सेड अबाउट सब्जेक्ट, यानी कि प्रेडिकेट वाक्य का वह भाग होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है, जो किसके बारे में कहा जाता है, सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट कौन है? राम है। राम के बारे में क्या कहा जा रहा है, राम के बारे में क्या कहा जा रहा है, इज गोइंग टू स्कूल, यानी कि स्कूल जा रहा है। राम के बारे में यही बात तो कही जा रही है कि राम क्या कर रहा है, चाहे कौन सी बात कही जा रही है, तो राम के बारे में यह कहा जा रहा है कि राम स्कूल जा रहा है, स्कूल जा रहा है, यह बात कही जा रही है। तो सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है प्रेडिकेट, और जो जिसके बारे में कहा जाता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो ये हुआ आप लोगों का
सेंटेंस और सेंटेंस के पार्ट, ये आप लोगों के बस आप लोगों के सब्जेक्ट में सॉरी आप लोगों के सिलेबस में इतना दिया हुआ था सेंटेंस और इसके पार्ट। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को अब सेंटेंस बनाना आ जाएगा और अगर आप इसे ध्यान से सुनते हैं समझते हैं तो अच्छी तरह से कोई भी सेंटेंस हो उसे आप पहचान सकते हैं। धन्यवाद।